अस्सलामुअलैकुम, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। मुझे कहते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट इसरा, एंड टुडे आई एम जस्ट गोना स्टार्ट अ थर्ड पोर्ट्रेट ऑफ पोर्ट्रेट सीरीज इन मिक्स मीडियम। सॉफ्ट पेंसिल्स का यूज़ करूँगी और इसके अलावा यूज़ करूँगी वाइट जेल पेन, सम प्रोफेशनल पेंसिल्स यूज़ करूँगी, सम क्लासिक पेंसिल, कलर पेंसिल्स, और इसके अलावा मैं यूज़ करूँगी वाइट चाइनीज पेंसिल्स। तो पोर्ट्रेट बहुत मज़े का होने वाला है, बहुत कलरफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। स्टार्ट करूँगी मैं सॉफ्ट पेस्टल से। सॉफ्ट पेस्टल में मैं स्किन टोन से कुछ कलर यूज करूँगी। वीडियो को साथ साथ देखते रहिएगा, साथ साथ ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं वर्किंग कैसे कर रही हूँ, पोर्ट्रेट को 3D लुक में कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ। सॉफ्ट पेस्टल्स काफ़ी स्मूथ होते हैं, इजी टू ब्लेंड है, इनका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट होता है। बहुत प्यार से, बहुत नाइसली यूज करना है आपके लिए, कुछ रिजल्ट नज़र आएगा आपको। साथ साथ कलर्स ऐड करते जाएं, जो भी कलर्स आपको अपनी रेफरेंस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं आपने कलर्स को साथ साथ ऐड करते जाना है, साथ साथ ब्लेंड करते जाना है। जहाँ पे आपको हाई लाइटनिंग दिखानी है वहाँ पे आपने स्पेस दे देनी है, वहाँ पे आपने कलर अप्लाई नहीं करना, और जहाँ पर आपने डार्कनेस दिखानी है वहाँ आप थोड़ा सा कलर डार्क टोन पे ले जाएंगे। दो से तीन कलर्स मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्किन टोन के लिए। स्टाइलिंग के लिए यहाँ मैं सॉफ्ट पेस्टल्स यूज करूँगी। सॉफ्ट पेस्टल्स के सम डार्क कलर्स मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि मिक्स मीडियम पोर्ट्रेट के लिए जो रेफरेंस पिक्चर मैं फॉलो कर रही हूँ उसमें हमारी मॉडल की हेयर थोड़ी सी चॉकलेटी एंड डार्क ब्राउनिश एंड गोल्डन टोन से जा रही है। कलर्स कलेक्शन के बारे में परेशान होने की, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी बस ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को आप आराम से पिक कर सकते हैं। एज यू नो कि हेयर स्टाइलिंग में डार्कनेस दिखाने के लिए मैं हमेशा ब्लैक कलर एंड बर्न्ट अम्बर का यूज़ करती हूँ, और यहाँ भी मैंने सेम कलर्स ऐड कर दिए। सेम कलर्स यूज़ करेंगे, सेम मेथड के साथ करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर दिए मैं। मैंने ब्लैक कलर, मैंने बर्न्ट अम्बर एंड ब्राउन कलर यूज़ किया है। सॉफ्ट पेस्टल्स जितना नाइसली हर मीडियम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं और आपके ऑब्जेक्ट को छान छान लगा देते हैं। एट सेम पॉइंट इनके अंदर एक डिसेबिलिटी भी है जो बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए। ये बहुत इजीली डस्ट आउट हो जाते हैं अगर आप अपने पोर्ट्रेट को या अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम से फिनिश करके देकर स्प्रे करके सेफ लगा। चले जी फेस के फीचर्स की तरफ आते हैं, और सबसे पहले मैं आई ड्रॉ करने लगी हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सम कलर प्रोफेशनल पेंसिल। लेट मी टेल यू वन थिंग, जितने कलर्स आप ऐड करते चले जाएंगे उतना ही 3D एंड रियलिस्टिक लुक क्रिएट होता चला जाएगा, और जितने लेस कलर्स आप ऐड करेंगे सेटिस्फेक्शन कम होगी। टू ऐड मोर कलर्स टू क्रिएट मोर अट्रैक्शन इन योर ऑब्जेक्ट। वन मोर थिंग, हमेशा लाइट कलर्स से स्टार्ट करें, लाइट कलर्स को पहले पिक करें, लाइट टू मीडियम एंड मीडियम टू डार्क टोन की तरफ मूव करें। इसके बेनिफिट ये होंगे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे। प्रेशर पॉइंट्स की हमेशा मैं बात करती हूँ, जो आपका बहुत स्लो होना चाहिए, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपने फोकस करना है वो प्रेशर पॉइंट ही है। इंस्टीड ऑफ कि आप बहुत बड़े ब्रांड के कलर्स यूज़ करें, नो, आप नॉर्मल ब्रांड के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल कलर्स के शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके इजीली कैच कर सकते हैं। ओके, किसी भी ब्रांड की पेंसिल्स आप यूज़ कर लें, स्किन टोन के कलर्स और इनके शेड्स सिमिलर होते हैं। रोज ब्रिज की तरफ मूव कर रही हूँ, इसके लिए मैं स्किन टोन के ही कलर्स यूज़ कर रही हूँ।
सेम कलर्स जो मैंने आई में यूज़ किए हैं, सेम कलर्स मैं साथ साथ नोज ब्रिज के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। आईब्रोज की तरफ बढ़ रहे हैं। आईब्रो के लिए मैं सबसे पहले ब्राउन कलर से एक बेस दे रही हूँ। बेस देने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बर्नड अम्बर। बर्नड अम्बर से मैं आईब्रोज की डायरेक्शन सेट करूँगी और आई एम डन विद दैट। ब्लैक कलर का यूज़ हमेशा एंड में यूज़ किया करें ताकि आप इसके बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकें। ब्लैक कलर नेसेसरी तो होता ही है, बट मैं इसको एंड में हमेशा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत सारे पिगर्स का अपने प्रेशर पॉइंट्स पे कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं होता, और होता यह है कि फिर जज्बातियत में वो बहुत ज़्यादा मैच क्रिएट कर देते हैं। फिर कुछ से पूछते हैं कि अब बताएं हम क्या करें। इसलिए मैं अपनी वीडियो से जितना मुझसे हो सकता है उतनी आपको टिप्स देती रहती हूँ और आपका माइंड क्लियर करती रहती हूँ। कलरफुल हाइपर रियलिस्टिक आई ट्यूटोरियल मैंने काफ़ी डिटेल में बना के अपलोड कर दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगी। आप ज़रूर देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। राइट साइड हो गई है हमारी डन। लेफ्ट साइड को ऑफ कैमरा कंप्लीट कर लिया है। टॉप पेस्टल्स के स्किन टोन कलर्स जैसे मैंने फॉरहेड पे यूज़ किए थे, सेम कलर्स को मैं चिक्स पे यूज़ कर रही हूँ। लेकिन काफ़ी ब्लश कर रही हैं इस रेफरेंस पिक्चर के अंदर। ये रेफरेंस पिक्चर है उस टाइम की जब इसे अवार्ड दिया जा रहा था, टाइटल दिया जा रहा था मिस यूनिवर्स 2002 का। जब भी आप ब्लश करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी आईज, आपकी बॉडी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ चेंज हो जाती है। आपकी आईज शाइन करने लगती हैं। एक हिडन खुशी होती है जो आपके फेस पे दिखने लग जाती है। वही हिडन खुशी, वही फीलिंग मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। और वो लोग जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि फीलिंग्स ऐड कैसे करते हैं, फीलिंग्स को कैसे शो किया जाए, उनसे मैं कहती चलूँ इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी उतना ही आपका परफेक्शन लेवल हाई होता चला जाएगा, उतनी ही परफेक्शन आपके काम में आएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने कलरफुल हाइपर रियलिस्टिक आई को सेपरेटली डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, ऐसे ही मैंने हाइपर रियलिस्टिक नोज एंड हाइपर रियलिस्टिक ग्लोसी लिप्स पर भी सेपरेटली वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी हैं। अगर आप ब्लैक एंड वाइट फेस फीचर्स को पहले सीखना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं और उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैंने ब्लैक एंड वाइट ही सेपरेटली वीडियोस बना कर अपलोड कर दी हैं। और अगर आप ब्लैक एंड वाइट फेस फीचर्स में एक्सपर्ट हो गए हैं, आपने प्रैक्टिस कर ली है बहुत अच्छे से और अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं कलरफुल की तरफ, तो आप कलरफुल ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें, उनकी प्रैक्टिस करें। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। आप अपनी स्टोरीज में मुझे टैग कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन के नीचे दिए गए यूज़र नेम को नोट कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से जाएं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी तरफ आए और मेरी नई नई वीडियोस आप इंजॉय कर सकें, लर्न कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, प्रैक्टिस करने के बाद मेरे साथ शेयर भी कर सकें। लिप्स की शेडिंग के लिए मैं पिंक फैमिली के लाइट टू डार्क कलर्स यूज़ कर रही हूँ। लाइट से स्टार्ट करूँगी और डार्क की तरफ जाऊँगी। जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि लाइट टू डार्क टोन पे जाइए। पिंक कलर्स यूज़ करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ बर्न साइना कलर।
क्लासिक कलर्स यूज करने के बाद अब मैं यूज कर रही हूँ चाइनीज वाइट पेंसिल एंड डेप्थ दिखाने के लिए, डार्कनेस दिखाने के लिए अब मैं यूज कर रही हूँ बर्ड अम्बर, जिसे आप लोग नॉर्मली चॉकलेट ब्राउन कलर भी कहते हैं, ब्लैक कॉफी कलर भी कहते हैं। फाइन आर्ट लैंग्वेज में इसे बर्ड अम्बर कलर कहा जाता है। लिप को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज करूंगी जेल पेन इन वाइट कलर। सेम मेथड सेम प्रोसेस के साथ लिप्स ड्रॉ कर लिए हैं मैंने। अज़ा किन के लिप्स ओपन है तो ऑब्वियसली अब हम टीथ ड्रॉ करेंगे। टीथ के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ग्रे पिंक एंड ब्लैक कलर। मेरा फिंगर्स का प्रेशर बहुत लाइट है। जैसे मैंने सॉफ्ट पेस्टल्स का यूज करके स्किन टेक्सचर को इनहेंस कैसे किया जाएगा आपको बताया, मीडियम चेंज करने लगी हूँ। क्लासिक पेंसिल्स का यूज करूंगी और चिन बनाकर दिखाऊंगी, जिनको शेड देकर दिखाऊंगी। सेम प्रोसेस है, बस मैंने मीडियम चेंज कर दिया है क्योंकि हमारा जो पोर्ट्रेट है वो है मिक्स मीडियम। फेस हो गया है हमारा ऑलमोस्ट डन, हेयर स्टाइलिंग भी डन कर लेते हैं। नेक्स्ट शेडिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट पेस्टल्स एंड अज़ाइकिन का क्राउन बनाने के लिए मैं कलर पेंसिल्स यूज करूँगी। तो जल्दी से मैं ऑफ कैमरा ये दोनों काम करके आती हूँ वापस, क्योंकि हमारे पास है टाइम कम। ऑलराइट, जिस पोर्ट्रेट सीरीज का थर्ड पोर्ट्रेट इन मिक्स मीडिया हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गिव अस अ ह्यूज थम्स अप बिकॉज इट मींस अ लॉट टू मी एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर माय अपकमिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। आई विल ड्रॉ अ नेक्स्ट पोर्ट्रेट इन अनदर मीडियम, सो स्टे ट्यून्ड अंटिल अल्लाह निगहबान।